नालछा जनपद में आज सचिवों द्वारा अपने वेतन संबंधी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने जनपद में हो रही बैठक का भी बहिष्कार कर दिया। साथ ही प्रभारी जनपद सीईओ डॉक्टर मारिया शिवदे को अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल नालछा में 67 ग्राम पंचायतों के जनपद नालछा के पंचायत सचिवों को करीब 2 माह से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में आगामी त्योहारों को देखते हुए सचिव संगठन ने नालछा जनपद पहुंचकर वेतन की मांग की। इस दौरान प्रभारी सीओ मारिया शिवदे ने सचिवों से मिलना उचित तक नहीं समझा और सचिवों को संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया, जिस पर सचिव संघ जनपद कार्यालय के बाहर एकत्रित होकर नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद अपनी मांगों को लेकर प्रभारी सीईओ के न मिलने पर उनके कक्ष में जाकर चंद सचिव उन्हें ज्ञापन दे आए। वहीं प्रभारी सीईओ डॉक्टर मारिया शिवदे से इस पूरे मामले में पत्रकारों ने चर्चा करना चाही तो उन्होंने पत्रकारों को भी कक्ष से बाहर निकलने की बात कही, जिससे पत्रकारों में भी आक्रोश देखा गया और प्रभारी सीईओ के व्यवहार को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। हम तुम्हारे साथ हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। 2 माह का वेतन जनवरी फरवरी का नहीं देना, जबकि जनपद स्टाफ का वेतन डल चुका है। हमारा वेतन यानी हर बार 1 माह 1.5 माह लेट निकलता है। इसके कारण हम सब सचिव साथीगण विरोध करते हैं। अन्य जनपदों में वेतन भुगतान हो चुका है और त्यौहार के दिन होली जैसा त्यौहार है, जिसमें सख्त जरूरत थी सभी साथियों को, उनके वेतन नहीं डाल के उनके होली का त्यौहार फीका किया गया। ये जनपद की छोटी समझी साजिश है, जिसका हम सचिव संगठन को जोर से विरोध करते हैं। आज जो बैठक थी वो इसका विरोध किया हम लोगों ने, क्योंकि होली के दिन भी यूएस के दल आया था तो हमको त्यौहार के दिन हम लोगों को लगा दिया और हमारा वेतन नहीं डाला, ये कौन सी बात है? हमारे नालछा सचिव संगठन नालछा के कर्मचारी को त्यौहार के दिन 2 माह का वेतन नहीं प्राप्त हुआ। इस कारण त्यौहार भी सही साथ हमारे साथी मना नहीं पाए, इसलिए हम इस जनपद में बजट आने के कारण भी नहीं कर पाए, इसलिए हम इस संगठन के आधार पर जनपद कर्मचारियों का विरोध करते हैं। क्या अन्य जनपदों के सचिवों को वेतन मिल चुका है? नहीं मिला, दूसरी जनपद के और सभी जनपद नालछा जनपद को छोड़ के अन्य जनपदों में वेतन मिल चुका है सचिवों को? मिल चुका है। नालछा जनपद में क्यों नहीं दिया गया? अब ये जनपद वाले कर्मचारी बताए हमको क्यों नहीं दिया। आज क्या बैठक भी सचिव और रोजगार सहायक की बैठक भी रखी गई थी, तो इसमें आप गए थे क्या? नहीं गए, हमने उसका विरोध किया। इसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय से बात हुई तो क्या कहा उन्होंने? इसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी से इन बात की गई थी, जो छुट्टी पे गए उस मैडम से बात की गई थी हमारे द्वारा, तो उन्होंने बताया गया कि मतलब कि बजट लेट आया, जबकि बजट 3 तारीख को आ चुका था और बजट सरकार के द्वारा त्यौहार के लिए पहले ही रिलीज कर दिया गया। अभी ये मैडम जो है यहाँ पे चार्ज जिन्हें 10 दिन तक ले रखा, इनसे आपकी चर्चा हुई तो इन्होंने क्या किया? हमारे स्थापना जो संभालता उससे बात करी कि तो उन्होंने बताया गया कि पुरानी मैडम ही हस्ताक्षर करेंगे, नई मैडम का DSC चालू नहीं है।